ये खबर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दिन रात आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर विभिन्न आर्थिक रूप से बैंकों से जुड़ी हुई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर 5 एक ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें अगर आपने इंस्टॉल किया तो हो सकता है कि आप भी धोखाधड़ी के शिकार हो जाए। ब्यावर में भी एक ऐसा मामला आया है जिस पर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें सबसे पहले कि अगर आपके मोबाइल प्ले स्टोर से एनीडेस्क, टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट और हेल्प से संबंधित किस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है उन्हें आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया है। ब्यावर में ब्रजकिशोर कुमावत नामक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रिकवरी करवाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसके तार हरियाणा से जुड़ा होना बताया है। फिलहाल पुलिस प्रारंभिक स्तर पर आरोपी की तलाश में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यावरवासियों को जागरूक करने की एक अपील की गई है, जिसमें आप मोबाइल से आपके साथ होने वाली गतिविधि, कॉल आने पर किस तरह से आपसे ये वारदात को अंजाम दिया जाता है, इस पूरी खबर से जुड़ जाएं। डिप्टी मनीष कुमार चौधरी ने बताया है कि 5 नवंबर 2022 को परिवादी ब्रजकुमार कुमावत ने एक रिपोर्ट देकर बताया था कि एक ठग ने विद्युत बिल बकाया होने का हवाला देते कर फोन कर उसे अपडेट करने हेतु एक लिंक दिया था। लिंक के माध्यम से ठग ने 5 बार ट्रांजेक्शन करते हुए उसके खाते से 6,56,000 रुपए निकाल लिए। परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान डिप्टी मनीष चौधरी और टीम ने बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते से जिस खाते में धोखाधड़ी की राशि ट्रांसफर हुई उस खाते को फ्रीज करवाया और पुनः पीड़ित के खाते में 6,35,000 रुपए को पुनः पीड़ित के खाते में रिफंड करवाने में सफलता हासिल कर ली। चौधरी ने बताया कि पीड़ित के साथ ऑनलाइन ऐप एनीडेस्क के माध्यम से धोखाधड़ी हुई। प्रकरण की जानकारी देते हुए डिप्टी मनीष चौधरी ने आमजन को भी इस प्रकार के फ्रॉड से बचने की अपील की है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने हेतु विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। चौधरी ने आमजन से आग्रह किया है कि वे अपनी बैंक डिटेल, एटीएम की जानकारी नहीं देवें, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी नहीं बताएं, मोबाइल फोन को एक्सेस करने वाले ऐप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट, ह्यूमन हेल्प को डाउनलोड करने से पहले सचेत रहें और किसी भी लिंक को बिना जानकारी के नहीं खोलें। साथ ही साइबर ठगी होने पर तुरंत बैंक जाकर साइबर ठग के अकाउंट को फ्रीज करवाया जाए और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जी हां 1930 नंबर पर संपर्क करें। एक हमारे जो ब्यावर के रहने वाले हैं ब्रिज कुमार कुमावत जी, उनको एक उनके साथ में एक साइबर फ्रॉड होता है और उनके अकाउंट से 6,56,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं और इसकी शिकायत वो थाने में भी करते हैं और बैंक जो उनका जो बैंक है उसमें भी करते हैं। तो इसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इसके अंदर मुख्य आरोपी जो है वो देवघर झारखंड के रहने वाला है और उसकी डिटेल हमारे पास आई है सारी की सारी। और बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो बैंक की जो टीम है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है और उन्होंने जो है 6,56,000 रुपए के अंदर से 6,35,000 रुपए वापस रिफंड करा दिए हैं ब्रिज कुमार कुमावत जी के। और इसके लिए वो उन्होंने जो है धन्यवाद पत्र भी एक बैंक के नाम से और ब्यावर सिटी के नाम से लिखा है, प्लस उन्होंने काफी व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए हैं। और इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जिससे कि हमारे ब्यावर के जो जनता है वो थोड़ी सी जागरूक हो जाए। साइबर इस जो आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं उसमें ये तरीका बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो है साइबर फ्रॉडस्टर जो आपसे कांटेक्ट करेगा वो या तो खुद आगे से चल के फोन करेगा या फिर आप जो है किसी भी तरीके से उसे कांटेक्ट करेंगे। दूसरे में वो जो है आपसे कोई ऐप डाउनलोड करवाएगा। जो 5 ऐप हैं आप उनसे थोड़ा सा सचेत रहें, जिनके नाम टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ह्यूमन हेल्प और ह्यूमन सपोर्ट। ये 5 ऐप हैं जो जनरली आजकल जो साइबर फ्रॉड जो कर रहे हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। इसमें वो आपसे ऐप डाउनलोड कराने के बाद में कोई एक छोटा ट्रांजेक्शन कराएंगे 10, 20, 50 रुपए का और इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है वो रिमोट पे ले लेंगे वो और प्लस जो है आपके जो नेट बैंकिंग की जो डिटेल्स हैं वो चली जाएंगी। तो इससे वो आपके जो बैंक अकाउंट है उससे चोरी छुपे वो आपके रुपए निकाल लेंगे। तो अगर किसी कोई आपको ये ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है और छोटा ट्रांजेक्शन करने के लिए बोल रहा है तो आप थोड़ा सचेत रहें और इस मामले में जो है अब आगे की कार्रवाई करी जाएगी और अभी फिलहाल जो है परिवादी के 6,35,000 रुपए रिफंड हो चुके हैं। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं।
जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, अजगर बाबा थान के पास, सेंद्रा रोड, ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास, गणेशपुरा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9942464161।